उसके बाद उसने चुंगी लेने वाले मत्ती लेवी को चुंगी स्थल पर बैठे देखा। मेरे पीछे आओ। और यीशु प्रार्थना करने पहाड़ी पर गए, जहां वे सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और अगले दिन उन्होंने 12 शिष्यों का अभिनंदन कर उन्हें प्रेरित कहा। शिमोन, जिसे उन्होंने पतरस नाम दिया, और उसका भाई आंद्रियास, याकूब, और योहन्ना, फिलिप्पुस, और बर्तुल्मै, और मत्ती, और थोमा, याकूब हलफई का पुत्र, और शिमोन जो जेलोतिस कहलाता था, यहूदा जो याकूब का भाई था, और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती निकला।